हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज कैसे वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर गाइज ट्रू कॉलर अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर गाइज कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है आपको, कॉलर आईडी डिसेबल्ड बोलकर नोटिफिकेशन पैनल में रहती है गाइज ये ज़्यादातर, या फिर स्क्रीन लॉक करते हैं आप तो यहाँ पर ऊपर ऐसा दिखाई देता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसे हटाना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए। और अगर जब इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, उस वीडियो को लाइक लीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना होगा आपके फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मैनेजर या फिर ऐप्स में जाना होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन मैनेजर या फिर ऐप्स में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको ट्रू कॉलर यहाँ पर सर्च कर लेना होगा। ट्रू कॉलर सर्च करना होगा गाइस, इसके यहाँ पर आपको ट्रू कॉलर के अंदर चले जाना है। ट्रू कॉलर के अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो परमिशंस है इसके अंदर आपको चले जाना है। परमिशंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको सभी परमिशंस यहाँ पर ऑलो कर लेना है गाइस। यहाँ पर जो 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 लगते हैं जो जो ज़रूरी हैं वही आप करिए गाइस। तो यहाँ पर परमिशंस में जाने के बाद ही यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर SMS की भी ज़रूरत पड़ेगी तो, और यहाँ पर माइक्रोफोन। तो यहाँ पर गाइस आपको इन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रख लाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है जिससे यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी गाइस, और जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको आ रही है वो चले जाएगी पॉपअप। अगर फिर भी नहीं आती तो यहाँ पर गाइस आपको सिंपली यहाँ पर इसे फोर स्टॉप कर लेना होगा जिससे यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आएगी, जो पॉपअप आए वो नहीं दिखाई देगा आपको। लेकिन गाइस याद रखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर काम करना बंद कर देगा ट्रू कॉलर। तो इसलिए अगर आपको काम में लाना है ट्रू कॉलर को तो यहाँ पर सभी परमिशन आप दे दीजिए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे लिए थैंक यू वेरी मच।